बेड की चादर चेंज कर ली है मन, अच्छी लग रही है ये, अच्छी खूबसूरत है, प्यारी लग रही है। डिजाइन अच्छा लग रहा है ना, कलर भी अच्छा है। ये चीजें निकाल ली उसमें से क्या, या जाने की तैयारी दावत में। अच्छा लग रहा है ये भी। और ये किस ड्रेस के साथ, अच्छा ये ड्रेस निकाला है, मुझे सही। अच्छा लग रहा है मुझे ड्रेस। हाँ अच्छा प्यारा लग रहा है, कलर भी अच्छा है इसका, इसका डिजाइन डिजाइन। शर्ट का सिंपल गोल गला है। और हार भी देखें कैसे मैच हो रही है। सही। ये ज्वेलरी जो निकाल के रखी है अच्छी लगेगी इसके ऊपर। और मैच भी हो रही है इसके साथ। हाँ ये तस्बीहात यहाँ लटका दी। नमाज अगर पढ़ना होती है ना इसके बाद। हाँ नमाज पढ़ो सामने ही मिल जाए। हाँ बैंगल्स भी अच्छी हैं। चूड़ियाँ कौन सी पहनोगी आज इसके ऊपर? अच्छा जी निकाली हुई है ये वाली। और दूसरे हाथ में तो कड़े होंगे या फिर वो ब्रेसलेट। देख लूंगी जो अच्छा लगेगा। हाँ सही। अच्छी हाँ सही किया। लगेगी ना। चलो जी बाहर निकलते। ये अमरूद बस इतने रह गए? हाँ मैं इनका वेट कर रही थी, थोड़ा सा पीला हो जाइए तो उसके बाद फिर। कल तक ग्रीन थे एकदम, रात ही रात में ही पीले हो गए। ग्रीन लाड़काना का, वो अच्छा ये तो सूर्य लाड़काना लाल के। काना के अमरूद। चावल के हिसाब से कह रही थी कि जैसे ये बासमती का चाहे टोटा हो चाहे साबित हो, बासमती चावल की अपनी खुशबू पुराने होती चावल है। की ना बात ही अलग थी। और मुझे हाँ सेला पसंद नहीं है। हम भी बाकी वहां पर तो घर में बनाते थे ना तो मम्मा ने सेला कभी बिरयानी के लिए नहीं मांगा, बाजार में तो हमेशा ये जरदे के बिरयानी लिए। आमतौर से जो मिल रही होती है यहाँ, वो सेला चावल, सेला वो सिर्फ देखने ही देखने में लगता है, खाने में उसका वो जायका ही नहीं होता। हाँ सेला चावल पहले वो सिर्फ हाँ जर्दा पहले से बनता काफी था, टाइम पहले ना उसे लेकिन अब भिगो तो के रखना सेला को पड़ता हर है। चीज़ में ठूस रहे होते हैं। बिरयानी उन्हीं की बन रही बासमती के, लेकिन अपना पुराने जायका चावल की तो होता है, बात ही अपनी अलग है, खुशबू होती बनास्पति है। की। मुझे बहुत टोटा हो पसंद है गया, टोटा बासमती हो गया चावल, जबरदस्त। बेशक टोटा हो लेकिन हो बासमती, खुशबू इतनी ज़बरदस्त, खाने का जायका अलग, उसका मज़ा ही और होता है। चीज़ें हाथ नजर नहीं आए। कैमरा भी हिल रहा है मन। इतनी गर्मियां स्टार्ट नहीं, जितनी मक्खियां आ रही है अभी से। मक्खियों को बहाना चाहिए आने का। अब ये हकीम साहब के बताए हुए दही चावल खाएं यार, सादा सादा खाए नहीं जाते, थोड़ी चीनी भी डाल ली मैंने। अल्लाह मियाँ शिफा दे दे परवरदिगार।